guys, this is SK Mishra and welcome you all in Mahendra Mishra YouTube channel. Guys, today we are going to discuss optics, that is the chapter light of class 10th CBSE or ICSE board. Guys, this is a lecture number 1. ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th CBSE और ICSE का एक फिजिक्स का पोर्शन जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर. सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स. ठीक है, ऑप्टिक्स क्या है, तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि ऑप्टिक्स होता क्या है. ठीक, तो देखिए ऑप्टिक्स क्या है, एक फिजिक्स का ब्रांच है. ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. यह फिजिक्स का एक ब्रांच है. जैसे फिजिक्स होता है, जैसे साइंस का तीन ब्रांच, सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. तो जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का तीन ब्रांच होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सेम उसी तरीके से हमारा फिजिक्स का भी बहुत सारा ब्रांच होता है, जिसमें एक ब्रांच आता है ऑप्टिक्स. इसके अलावा भी बहुत सारा होता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, काइनामेटिक्स, काइनेटिक्स. उसी तरीके से एक ब्रांच फिजिक्स का आता है ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या है. देखिए ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है. ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है, विच डील्स अस विथ द स्टडी, विच डील्स अस विथ द स्टडी ऑफ properties and phenomenon of light. देखिए ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि डील करता है, डेट मीन्स कि हम लोगों को बताता है स्टडी, किस चीज का स्टडी, तो प्रॉपर्टीज और फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट. दैट मींस कि हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिक्स का मतलब क्या हुआ. ऑप्टिक्स का सिंपल सा मतलब हुआ कि लाइट का स्टडी करना. ठीक है, तो ये तो रहा हमारे ब्रांच का इंट्रोडक्शन. अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे. ठीक है, जैसा कि अभी क्लास 10 सीबीएसई जो कि सिलेबस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारे लाइट चैप्टर फिजिक्स का ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है. डेट मीन्स कि अगर हम लोग बोलना चाहे तो इसमें जीरो एरर है, मतलब अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इस चैप्टर से. ठीक है, सो हम इस चैप्टर को बिगिन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला टॉपिक आएगा कि व्हाट इज लाइट, आखिर लाइट होता क्या है. तो देखिए हम लोग बात करते हैं लाइट का, दो तीन डेफिनेशन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और स्कूल एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो लाइट क्या है, तो हम लोग बात करते हैं लाइट इज अ, या फिर बोलते हैं इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट क्या होता है, लाइट एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है. लाइट क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या हुआ. जैसे हम लोग बहुत सारे रेस के बारे में जानते हैं, यूवी रेस, गामा रेस, अल्फा रेस, है ना, तो उसी तरीके से एक रेडिएशन, डेट मीन्स हम लोग जैसे जानते हैं कि सन से यूवी रेज आता है, सेम उसी तरीके का एक रेडिएशन जिसमें कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. डेट मीन्स कि क्या, एक ऐसा रे जैसे बल्ब से लाइट आ रहा है, तो लाइट जो आ रहा है तो उस लाइट में क्या होना चाहिए, दो तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. एक इलेक्ट्रिसिटी का कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम लोग बिजली को छूते हैं झटका लगता है. दूसरा मैग्नेटिक, डेट मीन्स किसी मैग्नेटिक पार्टिकल को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट. तो लाइट क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि लाइट क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे एनर्जी का, जैसे कि हम लोग बात करें कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक चीज को हम लोग दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं,
एक क्या होता है हमारा मैटर, एक क्या हो जाएगा हमारा मैटर और दूसरा क्या हो जाएगा एनर्जी, एक हो जाएगा मैटर और दूसरा हो जाएगा एनर्जी। तो ये जो लाइट है एनर्जी का एक स्रोत है, डेट मीन्स कि क्या इस लाइट से हम लोग को कुछ एनर्जी मिल रहा होगा, है ना। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि क्या करता है हम लोगों को किसी भी चीजों को देखने में हेल्प करता है। डेट मीन्स कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू विच हेल्प अस टू सी एनीथिंग। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम लोगों को किसी भी चीज को देखने में मदद करता है। एक और डेफिनेशन का बात करें, हम लोग एक और तीसरा इसका डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं कि क्या बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस सेंसेशन, क्या सेंसेशन ऑफ विजन। देखिए सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब क्या हुआ, सेंसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का क्षमता और विजन का मतलब होता है देखने की। डेट मीन्स कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी का टाइप्स बोल सकते हैं है, जो कि हमारे अंदर किसी भी चीज को देखने का विजन का सेंसेशन प्रोवाइड करता है। डेट मीन्स कि देखने की शक्ति प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या है अब हम देखने जा रहे हैं कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हमने अभी तक देखा क्या कि ऑप्टिक्स क्या होता है, उसके बाद देखा कि लाइट होता क्या है। अब कुछ बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका डेफिनेशन से हम लोग ले लेते हैं कि लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। लाइट क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि लाइट का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन एयर और वैक्यूम। जी हाँ, लाइट का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। थर्ड अगर प्रॉपर्टीज का बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। डेट मीन्स कि लाइट जो है वो वैक्यूम से भी ट्रेवल करता है। जहां हम लोग देखते हैं क्या कि वैक्यूम में कुछ प्रेजेंट नहीं होता, वहां बिल्कुल खाली, ना एयर है ना सॉलिड है ना लिक्विड, कुछ नहीं, बट फिर भी लाइट पास हो रहा है। डेट मीन्स कि क्या कि लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगा वो हम लोग बोलते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन
गेशन, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। थर्ड, हम लोग बात करते हैं कि लाइट जो होता है उसका स्पीड काफी ज्यादा होता है, ठीक है। लाइट का स्पीड क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, और हम लोग बात करेंगे इट ट्रेवल्स विथ अ वेरी हाई स्पीड दैट इज वी इज इक्वल्स टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 300,000 मीटर पर सेकेंड। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है क्या, लाइट का स्पीड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो लाइट का स्पीड है इसका एक अलग से डिनोशन दिया गया है, इसका एक सिंबल है, दैट इज सी। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाई वॉट, सी। सो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज ये क्या है, देखिए 3×10⁸ कहने का मतलब है 300,000 मीटर, है ना, 300,000 मीटर, बस कितने सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में ये ट्रेवल करता है। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट का जो स्पीड होता है क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट का कुछ फिनोमिनल जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो यहां तक नोट कीजिए। सो अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट आर द नेसेसिटीज टू सी एनीथिंग, है ना। जैसे कि हम लोग अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है किसी भी चीज को देखने के लिए, तो आप बोलिएगा लाइट, ठीक है। आप क्या बोलिएगा, लाइट। तो क्या लाइट जरूरी है किसी भी चीज को देखने के लिए, और बस लाइट ही जरूरी है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये एक दीवार है, यहां लाइट है, ठीक है। और अगर मैं चाहूं कि दीवार के अपोजिट साइड कोई बंदा बैठा हुआ है उसको देखूं, तो क्या मैं देख सकता हूं, यहां तो लाइट है, इसके अपोजिट साइड भी लाइट है, क्या मैं देख सकता हूं, नहीं। अब अगर मैं बात करूं कि यहां अंधेरा हो गया, ठीक है, तब तो कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी, है ना। इसका मतलब कि लाइट जरूरी है, हम यहां से क्या बोल रहे हैं कि लाइट जरूरी है। और अब यहां पे बात करें कि यहां पर ये जो दीवार है इसके अपोजिट साइड देखना है, तो लाइट तो है मगर नहीं देख पा रहे, इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ और भी चीजें हैं जो कि जरूरी है, ठीक है। कोई ना कोई और चीजें हैं जो कि जरूरी है। अगर कोई बोलता है कि किसी भी चीज को देखने के लिए आंखों की जरूरत है, क्या आंख, आईज जरूरी है। तो अगर हम बात करें रात में, है ना, इन द नाइट, क्या जब डार्क होता है तो वहां पर तो हमारा आंख होता है मगर कोई भी चीज दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ कुछ पता चल रहा है कि किसी भी चीज को देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेसेसिटीज है वो क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। सेकेंड जो है वो क्या होनी चाहिए, आई होनी चाहिए। और थर्ड एक और केस आता है, जैसे कि अभी हमने बोला कि मैं यहां हूं, यहां भी लाइट है, इस दीवार के अपोजिट साइड भी लाइट है, मगर क्या मैं इधर से उस साइड अपोजिट साइड देख सकता हूं, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई और केस है जो कि जरूरी है किसी भी चीज को देखने के लिए। अभी हम वही देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू सी एनीथिंग। सो देखते हैं यहां पर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू सी एनीथिंग। देखिए ये ले लेते हैं, लेट्स एग्जांपल सन, ये क्या है हमारा सन, लाइट और एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स, क्या यहां पे लेते हैं सन। यहां कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट, एंड वी हैव टू सी दिस ऑब्जेक्ट, और हम यहां पर प्रेजेंट है, हम यहां पर क्या है प्रेजेंट है, ये रहा हमारा आंख, है ना, हम यहां पर प्रेजेंट है, ये रहा हमारा आंख, और हमें इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है देखना है, ठीक है। तो यहां से लाइट आ रहा है, यहां हम प्रेजेंट है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट आता है,
जो लाइट आता है ये इस ऑब्जेक्ट पे टकराता है। ऐसे लाइट आया, इस ऑब्जेक्ट पे टकराया, लाइट के आने के डायरेक्शन को हम लोग इस एरो से डिनोट करते हैं। लाइट सन से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय एन एरो। लाइट आया, अब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, उसके बाद यहां एक फिनोमिनन होगा, जिस फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जब तक ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा नहीं और पड़ने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचेगा नहीं, तब तक ये ऑब्जेक्ट जो था हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लाइट यहां पे था, ऑब्जेक्ट भी था, बट हमें दिखाई तब तक नहीं देगा जब तक इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा हुआ लाइट हमारे आंख तक न जाए। तो तीसरा केस जो हम लोग बात कर रहे थे कि इस दीवार के पीछे किसी भी चीज को हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसका रीजन समझ में आया। लाइट यहां भी है, लाइट अपोजिट साइड में है, बट यहां पे एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो लाइट यहां पर है, ये लाइट दीवार के पीछे जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है उस पर नहीं पड़ रहा और उस ऑब्जेक्ट का लाइट हमारे आंखों तक नहीं आ रहा है। दैट इज वाई हम लोग बोल सकते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। दैट मीन्स कि हमें अगर बात किया जाए कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू सी एनीथिंग, किसी भी चीज को, और बोलेंगे कि व्हेन वी कैन सी एनीथिंग, हम कब किसी चीज को देख सकते हैं, तो उसके लिए तीन रिक्वायरमेंट। सबसे पहला जो प्रेजेंट होना चाहिए वो होना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर बोले तो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। सेकेंड बात करें तो हमारे पास आंख होना चाहिए, अगर आंख नहीं रहा तो कैसे देखेंगे, सो आंख होना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्या, रिफ्लेक्शन। अगर ये तीन चीज हो रहा होगा तो हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन कि हमें किसी भी चीज को देखना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो तीन रिक्वायरमेंट्स बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, आई होना चाहिए, एंड रिफ्लेक्शन होना चाहिए उस लाइट का। इसके बाद आप ये डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, लेट्स से अगर मानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक मार्क्स आपको इस पे मिलेगा और सेकंड जो दूसरा मार्क्स होगा वो इस पे मिलेगा। अगर कोई एक चीज को छोड़ करके आते हैं तो एक मार्क्स ही मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि ये वन मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, ये दोनों बनाना होगा क्योंकि हाफ हाफ मार्क्स वहां पर वेटेज होगा। ठीक है, सो यहां तक आप नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अब इसके बाद हम बात करने क्या जा रहे थे, रिफ्लेक्शन, इट्स टाइप एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आने शुरू होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज द फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके पहले हमने दो क्वेश्चन का बात किया, एक तो इसका डिफिनेशन आ सकता है, दूसरा ये जो हम लोग बात किए कि नेसेसिटीज क्या था इसके पहले वो आ सकता है। उसके बाद अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हाउ रिफ्लेक्शन इज अकर्ड, एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहां पे सबसे पहले बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे लेट्स से ये एक मार्कर है, मार्कर को मैंने इस पे फेंका, जब मैं इसको इस पे फेंकता हूं तो इस पे टकराने के बाद जब ये वापस आया, ठीक है, ये गया टकराया और टकराने के बाद जब वापस आया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हम लोग गेंद बॉल देखे हैं, जब बॉल को थ्रो करते हैं वॉल पे, व्हेन वी थ्रो द बॉल्स ऑन वॉल इट बाउंस बैक टुवर्ड्स आवर हैंड, हम उसको क्या करते हैं, हमारे हाथ की तरफ वो आता है और हम उसे कैच करते हैं। ये जो फिनोमिनन हुआ, बॉल गया दीवार पे टकराया और टकराने के बाद वापस हमारे हाथ तक आया, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्शन। तो इसका लाइट से क्या रिलेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक ऑब्जेक्ट था, सन से जो लाइट आया उस ऑब्जेक्ट पे टकराया और टकराने के बाद आंख तक गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि लाइट आया टकराया और निकल गया। ठीक है, तो ये जो होल फिनोमिनन होता है उसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले अगर बात करें कि डिफिनेशन तो बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर
striking the surface called रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब लाइट का क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है। व्हेन अ लाइट इज बाउंस्ड बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करके जब लाइट वापस आता है, दिस होल फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है किस तरीके से होता है। तो लेट्स से ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस। मान लेते हैं ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो हमारे खिड़कियों में होता है ना, कार के शीशे में होता है, दैट टाइप ऑफ ग्लास, जिससे कि आर पार दोनों साइड में दिखाई देता हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब एक साइड में जब लाइट हम स्विच करेंगे तो क्या होगा, लाइट विल ट्रेवल टू अनदर साइड ऑफ दैट ग्लास। यहां से लाइट अगर मैं जलाता हूं तो लाइट क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, बिकॉज दिस सर्फेस इज व्हाट, ट्रांसपेरेंट। हाँ, समझ आया। तो अब लाइट तो पास हो जाएगा, अब इस फिनोमिनन को देखना है, रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को देखना है, तो किस तरीके से देखेंगे। देखिए, यहां पर हम एक कोटिंग करेंगे, क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, क्या करेंगे, कोटिंग। ये कोटिंग किस चीज का करेंगे, पेंट का कर सकते हैं, सिल्वर कोटिंग कर सकते हैं, है ना। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पॉलिश कर रहे हैं, सिंपल सा बात करें तो। पॉलिशिंग यहां पर होगा, दैट मीन्स की क्या होगा, पेंटिंग होगा और क्या होगा, कोटिंग होगा इस सरफेस पे। तो क्या होगा, अब ये ट्रांसपेरेंट से क्या बन गया, ओपेक, क्या बन गया, ओपेक। तो इसको, इस सरफेस को अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, चूंकि यहां से लाइट अब रिफ्लेक्ट होगा, लाइट इधर से आएगा तो इधर नहीं जाएगा, इधर वापस चला जाएगा, तो अब इस सरफेस को हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं। When a transparent glass is polished, painted or coated with some material, it will behave like a reflecting surface. क्या, reflecting surface। अब मान लेते हैं यहां पर कोई एक सोर्स था, फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं किस चीज का, सन का, है ना, क्योंकि सन बनाने में इजी होता है, बल्ब बनाते ना तो ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो सन का एग्जाम्पल लेते हैं, सन से आ रहा है क्या, लाइट, लाइट आया कहां गया, इस सरफेस पे, लाइट आया कहां गया, इस सरफेस पे। जो लाइट आया उसको इस तरीके से एरो से दिखा दिया हमने, लाइट आया सरफेस पे पड़ा और पड़ने के बाद ये वापस इस तरीके से चला गया। लाइट आया सरफेस पे पड़ा और आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट बाउंस्ड बैक टू द सेम मीडिया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट का सोर्स से निकल करके आना, मीडियम में वापस लौट जाना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन देखो दो तरीके का होता है। अब हमने क्या किया था, यहां पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया था जो कि काफी ज्यादा स्मूथ था, काफी प्लेन था। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं, दीवाल पे, है ना। When the reflection, the phenomenon of reflection will be occurred from wall, rough wall, और एक क्या हो सकता है, plane surface. That means कि reflection एक ही process दो surface से हो सकता है, एक तो plane surface से, दूसरा rough surface से। तो उसी आधार पर, reflecting surface के nature के आधार पर, on the basis of nature of reflecting surface, there are टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने तरीके के होते हैं, जल्दी बोलो, रिफ्लेक्शन होते हैं दो तरीके के, रिफ्लेक्शन होते हैं दो तरीके के। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है। तो देखते हैं, रेगुलर का मतलब हुआ जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस केस में क्या होगा, स्मूथ होगा। व्हेन रिफ्लेक्शन विल अकर फ्रॉम स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट विल कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो क्या होगा, ये इस तरीके से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे, आ रहे हैं तो इस तरीके से हम एरो से डिनोट करेंगे। व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम्स और स्ट्राइक्स द सरफेस इट विल
बाउंस बैक, ये क्या हो जाएगा, इधर वापस लौट जाएगा, वापस लौटेगा। देखो इधर से पैरेलल आ रहा था और इधर भी ये सारे के सारे रेस क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को कैसे बोल सकते हैं देखते हैं। वैसा रिफ्लेक्शन जो कि एक स्मूथ सरफेस से हो, उस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा बोले तो बोलेंगे वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें कि लाइट के पैरेलल बीम आए, सरफेस पे टकराए और पैरेलल बीम ही निकल जाए, उस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड जो आता है दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड टाइप इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको कई बार है कुछ बुक्स अपने पब्लिकेशन को क्या करने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए एक और नाम दे देते हैं डिफ्यूज्ड। दोनों का मीनिंग क्या है ना, सेम है, दोनों का मीनिंग में कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन है ना कि बुक्स, एक बुक दूसरे बुक से कैसे अलग हो, तो इस वजह से कुछ बुक्स में क्या किया जाता है, इसको कॉन्सेप्ट कुछ अलग दे दिया जाता है और इरेगुलर को ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि डिफ्यूज क्या हो गया। तो यहां पे बात करते हैं कि डिफ्यूज और इरेगुलर सेम है। वैसा रिफ्लेक्शन जो कि क्या हो, रफ सरफेस से हो, ये जो सरफेस है ये स्मूथ ना रह करके क्या हो जाना चाहिए, कुछ इस तरीके का हो जाना चाहिए, कुछ रुखड़ा हो जाना चाहिए, है ना, जो पूरा प्लेन ना हो, कुछ रुखड़ा हो, इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन होगा दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज। तो इस केस में होता क्या है, लाइट तो पैरेलल ही आती है, लाइट इसी तरीके से पैरेलल ही आती है, बट होता क्या है कि ये पैरेलल ना जाने के बजाय कोई इधर और कोई इधर इस तरीके से निकल जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लाइट पैरेलल आया तो सरफेस पे पड़ा, मगर कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, दैट मीन्स कि क्या, लाइट का जो रेगुलरिटीज थी सरफेस पे पड़ने के पहले वो उसके बाद मेंटेन नहीं हो पाती और इस तरीके के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन दो तरीके का, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर का मतलब स्मूथ सरफेस से और इरेगुलर का मतलब रफ सरफेस से। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे कि लॉज क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, सो प्लीज नोट इट डाउन। सो अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पे रिफ्लेक्शन के लॉज देखेंगे, आखिर नियम कानून कुछ बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि लाइट ऊपर से आ रहा है इधर जा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ प्रॉपर लॉज बनाए गए हैं, उस लॉज को यहां पे हम देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स अस स्टार्ट। यहां पे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे एक हम लोग सरफेस ले लेते हैं फिर से, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिल्कुल गलत। ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, अभी हम इस पे पेंट करेंगे, हमने इसको क्या किया, पेंट कर दिया, तो अब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम लोग बोलेंगे, नाम देंगे क्या, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मैं बात करूं, ये एक सरफेस है, ये क्या है, सरफेस, और यहां से एक इस तरीके से लाइन मैं इस तरह से ड्रॉ कर दू, है ना, ये एक सरफेस रहा, एक ऊपर और एक इसके नीचे इस तरीके से, तो क्या होगा, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो यहां से मान लेते हैं ऐसा कुछ होता तो नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन किया गया है, माना गया है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन को माना गया है जो कि सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। दैट मींस कि एक ऐसा लाइन जो कि क्या होगा, सरफेस से 90 डिग्री बनाता होगा, ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन से। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां पर ये नॉर्मल इस सरफेस को कट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
एक लाइट इधर सोर्स से निकल करके आता है और यहीं पर सरफेस पे टकराता है, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीचों बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है? जी नहीं, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हो सकते हैं। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल लाइन हो सकते हैं। और जब भी ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दैट मींस कि लाइट जो सोर्स से निकल करके आएगा, वो हमेशा एक नॉर्मल के बेस पे आता है। दैट मींस वो पॉइंट जहां पर सरफेस उस नॉर्मल से टकरा रहा है, कट कर रहा है, वहां पर ये लाइट आकर के टकराते हैं। हम लोग यहां से क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक लाइट का रे जो है वो सोर्स से निकल करके आया, जिस पॉइंट पे टकराया उस पॉइंट को बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो लाइट आता है सोर्स से निकल करके, दैट लाइन इज कॉल्ड, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब क्या होगा, लाइट आ रहा था सरफेस पे, टकरा रहा था और वापस जाएगा ना, टकराएगा वापस जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो लाइट जो यहां से टकराने के बाद वापस गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वो रे ऑफ लाइट जो इस सरफेस पे टकराने के बाद वापस इस सरफेस से निकला, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। देखो यहां पे कुछ एंगल बना है, एंगल का मतलब क्या होता है? इंक्लाइनेशन, है ना, इंक्लाइनेशन। ये सरफेस और ये दोनों के बीच में ये कितना इंक्लाइनेशन, दैट मींस ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल, इस पे ये वाला लाइन, ये वाला मेरा हाथ कैसे इंक्लाइंड है, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसके बीच में जो ये कर्व बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड क्या? अब यहां पे बात करते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, जो थीटा हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच बनता है, दैट इज कॉल्ड क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको कि हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। किस चीज से? स्मॉल आई से। यहां पे देखते हैं, यहां भी एक एंगल बन रहा है, इसको भी थीटा मान लेते, इसको थीटा वन, इसको बोल देते हैं थीटा टू, ठीक है। वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। सो अभी तक हमने देखा इंसिडेंट रे क्या होता है, वो रे जो कि सोर्स से निकल करके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पड़ रहा है। रिफ्लेक्टेड रे देखे क्या होता है, वो रे जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से निकल रहा है, डेट मीन्स की क्या, इस सरफेस पे टकराने के बाद वापस निकल रहा है, डेट इज कॉल्ड क्या? रिफ्लेक्टेड रे। अब हम लोग बात करते हैं क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। That angle which is formed between normal and reflected ray is called angle of reflection, ठीक है। अब यहां पे बात आता है कि एक देखिए, ये एक सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे, इसके बीच में भी तो यहां पर एंगल बन रहा है। लेट से इसको मान लेते हैं अल्फा, यहां भी तो एक एंगल बन रहा है। उसी तरीके से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी बन रहा है, इसको मान लेते हैं बीटा, कोई एक नाम है, एबीसी कुछ भी हो सकता है, है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस दोनों का भी कुछ नेमिंग होना चाहिए, तो इसका जो नेमिंग है इसको हम लोग बोलते हैं जी आई, और इसको जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं जी आर। जी आई और जी आर क्या है? ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हुआ? जी आर। जी आर इज नथिंग बट एंगल ऑफ, कौन सा एंगल? ग्लैंसिंग एंगल। ग्लैंसिंग एंगल ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्शन। ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखने के, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये सारे को आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या है। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉज होते हैं? टू लॉज, ठीक है। सबसे पहला, फर्स्ट लॉ का बात करते हैं हम लोग यहां, फर्स्ट लॉ कहता है लाइट के रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों का तीनों एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। दैट मींस कि फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का बोलता है कि इंसिडेंट रे,
normal and reflected ray all lies on same plane at a same point, that is point of incidence. That is point of incidence. तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑन लाइज ऑन सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट एट अ सेम पॉइंट. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि लाइट आया इस सरफेस पे और निकलेगा कहीं ऊपर वाले सरफेस से. नहीं, जिस सरफेस पे लाइट आएगा यहीं से वापस बाउंस बैक होगा. मतलब ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, सेम प्लेन पे होने चाहिए और सेम पॉइंट, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, यहां होने चाहिए. ठीक है, सेकेंड लॉ जो कहता है, ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज अ स्मॉल आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के. तीसरा एक लॉ तो नहीं है बट एक नोट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे हम लोग बोले क्या कि एक लाइट जितना नॉर्मल से एंगल बनाते हुए आएगा उतना ही एंगल बना करके जाएगा, यस या नो? ठीक है, एक लाइट जो कि इंसिडेंट रे है वो जितना एंगल नॉर्मल से बनाते हुए आएगा उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगा, ये लॉ कर रहा है. ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं ये रहा 30 डिग्री, तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री. अगर कोई पूछता है कि इंसिडेंट रे दिया, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, स्मॉल आई दिया हुआ है 30, और कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता तो आप बता देते कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. अगर ये ना पूछ करके ये पूछ दिया तो देखिए ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री. ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री. अब ये 30 तो ये लॉ के अनुसार ये भी 30, ये पूरा 90. अब जब ये 30 हो गया तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री. ये कितना हुआ, 60 डिग्री. इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यह हुआ 60 डिग्री, इसी तरीके से अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछता है तो बता देंगे. ठीक है, तीसरा एक नोट के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखें कि जितना एंगल बनाते हुए आ रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगा, तो जो लाइट नॉर्मल के थ्रू है अलोंग नॉर्मल एक सर्फेस पे पड़ता है तो जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में फिर वापस क्या हो जाता है, बाउंस बैक. दैट मीन्स कि नॉर्मल के थ्रू अगर ये ऐसे आ रहा है तो इस पे पड़ने के बाद ये जैसे इस तरीके से आया तो वापस इसी डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा, कहीं डिफ्लेक्शन नहीं होगा. क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर कोई लाइट नॉर्मल के थ्रू ऐसे आ रहा है तो सर्फेस से कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि वो भी नॉर्मल ही है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है, तो इस तरीके से आया और ये नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल. तो नॉर्मल और सॉरी ये इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल बना, ये रहा नॉर्मल, यही रहा इंसिडेंट रे, कितना एंगल बना, 0 डिग्री. तो कोई एंगल ही नहीं बना, तो वापस जाएगा जब रिफ्लेक्शन होगा तो कोई एंगल बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वापस इसी पाथ पे लौट जाएगा. तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन अ लाइट फॉल्स अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस इट विल बाउंस बैक इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इटसेल्फ. ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा. हमने आप लेक्चर 1 पढ़ा जो कि है क्या, सीबीएसई और आईसीएसई का लाइट का फर्स्ट लेक्चर था. ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, और
आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने 2 दिन पहले एक यूट्यूब पे एक और लेक्चर डाला था, लेक्चर नंबर 1 ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दैट इज चैप्टर 5 ऑफ केमिस्ट्री, तो आप उसको जाकर के देखिए अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो। और इसके लेक्चर 2 को आने के लिए आप इंतजार कीजिए, है ना। अब आगे की हम लोग जो देखेंगे वो लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे वो जो लाल वाला बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे ऑल वीडियो के ऑल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाते रहे। और इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल, जैसे हमारे पहले लेक्चर पे जो व्यू आए, जो लाइक्स आए, उसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर के आऊं। थैंक्स।